संसद गुरजीत सिंह औजला ने डीजीपी नूं चिट्ठी लिख के वड्डे सवाल चुके ने। चिट्ठी दे विच लिखिआ है कि पवित्र धरती श्री अमृतसर साहब दे विच शरेआम नशा विक रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। औजला ने कहा कि पुलिस नूं शिकायत दित्ती जांदी है पर कार्रवाई नहीं हुंदी। औजला ने यह भी कहा कि फॉरमैलिटी करदे ने सियासतदानां ने। एक वड्डी चिट्ठी लिखी है, औजला लिखदे ने कि जेकर कोई कार्रवाई ना हुई तां धरना भी सानूं देना पै सकदा। ये बेनती की है कि तुहानू अखां बंद कीतियां गुजारा नहीं होना, तुहानू इहदे लई कोई ना कोई एक्शन प्लैन बनाउणा पैणा है। जिद्दां असाम ने बनाया है, तेलंगाना ने, केरला ने, आंध्र प्रदेश ने, तुहानू उहदी तर्ज ते कोई ना कोई एक्शन प्लैन बनाउणा पऊ। जिहड़ियां कालियां भेडां इहदे च ने उहनां विरुद्ध कार्रवाई करनी पऊ, क्योंकि जदों भी कार्रवाई हुंदी है ये करदे ने, परचे कर दिंदे ने पीण वालिआं दे, दूजिआं दे 10 ग्राम पाती, 20 ग्राम पाती, और परचा भी एडा ढिल्ला करदे कि उह बच जांदा। मैं चाहुंदा जिहड़ा अमृतसर नूं सप्लाई चेन आ उह क्यों नहीं टुटदी इहनां कोलों। सो यह मैं उन्होंने कहा कि यह सारी जे तुहाडा तंत्र फेल है तो फिर इन्हें खत्म करो, इन्होंने सस्पेंड, इन्होंने घर बढ़ाओ। ये नौकरी से कहते पैसे लै रहे हैं लोग सारे, जो तुम्हें इंटैलीजेंस तुहाडी यही नहीं पता कर रही कि अमृतसर दड़ा सट्टा कौन चला रहा, अमृतसर कोल कि आ रही है, अमृतसर चिट्टा जां सॉरी सिंथेटिक ड्रग जो चिट्टा भी कह दें पर वैसे सिंथेटिक ड्रग है वो कौन लैके आ रहा। तो अमृतसर देहाती पुलिस के हाथ वड्डी सफलता लगी है, बैंक नूं लुट्टण दी वारदात नूं अंजाम देने वाले ग्रोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस ग्रोह दे विच कुल 8 मैंबर दसे जा रहे हैं, जिन्हां विच एक औरत भी शामिल है। मुलजमां तों 4 पिस्टल, 3000 हथियार, 1 गड्डी, 3 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। तो 16 तारीख को हमने एक जो हमारे टेक्निकल सेल और टेक्निकल इनपुट्स के बेसिस पे राकेश कुमार विक्की अरेस्ट किया था 16 तारीख को। फर्दर उसके बेसिस पर हमने कल मॉर्निंग में तरन तारण से 2 अक्यूज और अरेस्ट किए, और उनके अरेस्ट के बाद कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये गैंग जो ऑपरेट कर रहा है इस एरिया में, उन्होंने कल भी वारदात करनी है जंडियाला एरिया में, तो वहाँ इकट्ठे होना था। तो वहाँ हमने ट्रैप लगाया और हमारी टीम्स CA इंचार्ज, PO स्टाफ, SSO टाटीविंड और भी टीम्स हमने लगाई हुई थी, तो वहाँ हमारा आमना सामना हुआ, इनफैक्ट एनकाउंटर भी हुआ। तो वहाँ पर 3 और इसमें जो मास्टरमाइंड थे इनके, कुलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और काजल, ये अरेस्ट हुए हैं।